कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा प्रधानमंत्री है, कौन सा संसद है, कौन सा नेता है जो जनता
कठिनाई क्या होगी? आपकी समस्या नहीं है, नेताओं ने झूठ बोला, गलत आश्वासन दिया, उसके कारण जो दूसरा आदमी आता है उस पर भी विश्वास नहीं होता। कहता आया, माला पहना, स्वागत करवाया, विशेष रूप से लग गया और बुद्धि विलास करके चला गया। इसलिए मैं उस कठिनाई को दूर करने पर मैं स्वयं प्रार्थना तय किया, मैंने जिला अध्यक्ष जी को कहा, शंभू जी को कहा, मंडल अध्यक्ष जी को कहा कि मैं ग्यारह जाना है, लोगों को बता दिया मैं आ रहा हूं। जब माला पहनाया जा रहा था मुझे लगा चुप रह रहा था, कौन लोग माला पहना रहे, जो बेटी की शादी करने जाते हैं ग्यारह से आए हुए शादी करें, वो क्या रहे बेटी की पढ़ाई नहीं हो रही, विजय बाबू जी गौरतपुर में रामचंद्र शर्मा जी के घर पर मिले, इनके पिताजी मेरे पिताजी का संबंध था, बोले मैं वहां की हूं, उसी विद्यालय में मैं वहां भी नहीं चल सकते, तो मुझे टाइम बाउंड प्रोग्राम चाहिए, समय संपन्न, आप लोग साथ बैठिए, जिला अध्यक्ष बनाए जी को बुलाइए और सर्वदलीय समिति बनाइए, जो घोर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है उनको भी कमेटी में रखिए, हमको 11 से मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट लेने के लिए वोट देने के लिए नहीं आया, वोट देने वोट देने का काम करता तो मेरी माँ मुझे जन्म नहीं दी होती, मेरी माँ ने जन्म दिया है कुछ करने के लिए, वोट लेने और देने के लिए नहीं दिया, जिसको लेना है जिसको देना है, जिसको बड़ा नेता बनना है बने, मैं आपकी समस्या को से जूझने आया हूँ, होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं प्राण में उछावर करने की मैं गारंटी देता हूँ, ईमानदारी से माँ की मंदिर में कसम खाया जाता है तो माँ की साक्षात शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और हम काम कर लेते हैं, निस्वार्थ काम है, पीढ़ी जो चली गई, पीढ़ी जो है, पीढ़ी जो आने वाली है, उन सब के लिए किया गया कार्य ईश्वरीय कार्य है, जो काम हम करते हैं ईश्वरीय दैविक कार्य, तो आपसे मैं इतना कहता हूँ, तीन बातों को मैं कहते जा रहा हूं, 15 दिन के अंदर समिति का गठन, उसमें नौजवानों की संख्या देखो, पैटर्न बुजुर्ग लोग जितने हो पैटर्न में हो, गतिविधि करने वाले नौजवान हो, एक लेटर पैड छप जाए, प्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, अगले 15 दिन में, चूंकि मैं जानता हूं मुखिया का चुनाव आने वाला है, फिर लोग उलझ जाएंगे, फिर राजनीति शुरू हो जाएगी, फिर मनमुटाव होगा, मुखिया के चुनाव के बाद 15-20 दिन तक लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे, समस्या उभर जाएगी, दूसरा रोपण मुद्दा करिए, चुनाव जीतिए, चुनाव हारिए, आप कमेटी का गठन कर लीजिए, जब चुनाव की घंटी बजे से पहले कमेटी का गठन हो जाए, कमेटी के गठन के बाद दूसरा काम कीजिए, मैं तेरे को कहूँ, दूसरा काम कर दीजिए, कमेटी के गठन के बाद एक लेटर पैड छपे, उसकी बैठक हो जाए और पूरा सर्वेक्षण करके, अभी कुछ डाटा दिया गया वो काफी नहीं है, कितने लोग हैं, कितना जमीन का कटाव हो चुका है, कितनी फसल बर्बाद होता है, अनुमानित फसल कितना बर्बाद होता है, कितने फसलों की बर्बादी हुई 10 साल में, कितने की होगी अनुमानित, पूरे एक आंकड़े के साथ, वैज्ञानिक अध्ययन के साथ, कुछ बाहर के लोगों का सहारा लेकर तैयार कीजिए, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखने वाला हूँ और कृषि मंत्री को कि मैं किसान पंचायत करने जा रहा हूँ, आप दोनों आइए, वहां ही आना है, मैं किसान पंचायत हूँ, डाल आंकड़ों के साथ करूंगा, चूंकि अभी लड़ाई ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री के पास गया और 11 मुक्त हो गया, मैं डीएम को गया वो झूठ बोलना होगा, वो आपको आश्वासन देना होगा, आपको बरगलाना होगा, अगर हम 100 साल से सह रहे हैं तो साल भर सहने में हम सह लेंगे, लेकिन लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि हम जीतेंगे, इसलिए आप समिति का गठन कीजिए, सर्वदलीय समिति हो, जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने 11 मंत्री संघर्ष समिति बने उनको भी रखिए, सब साथ चलिए, फिर हम यहाँ पंचायत करेंगे सिर्फ उसके लिए, और डीपीआर क्या बनेगा, मुंगेर में जैसे पिछली बार बताया बना उस तरह का बताइए, दो अल्टरनेटिव, ये बन सकता है वो बन सकता है, वो तब मुझे दीजिए, फिर मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक स्वयं जाऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा, संघर्ष करूंगा, मैंने कहा था संवाद करूंगा, संघर्ष करूंगा, दोनों रास्ते हमारे खुले हुए लेकिन मुक्ति होगी, और फिर मैं कह रहा हूं 11 शब्द भूतकाल का शब्द है, यहां का कोई व्यक्ति नहीं कहे मैं 11 सा हूं, 11 जाने वाला है, जा चुका है।
हम काम और रुकने वाला नहीं है जब तक दियारा मुक्ति नहीं होगी। धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष नगर कल्याण नगर के और हमारे ग्रामीण के कलम जी, आप सब जानते हैं कि नाव में दो प्रकार की क्रिया होती है। एक क्रिया होती है जिसे नाव आगे चलती है, एक जो इस धरती के लाल हैं, टीम में दो बार फोन को करते हैं कि 11 किसान की बनी की बनी या नहीं बनी है। और मैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष को फिर है उस पर कुछ कल्याण होने वाला है और आपको मैं जानकारी दूं जो काम नहीं होने वाला है, असंभव काम को संभव करने का जो काम किया है, तो ये काम किया राकेश सिन्हा जी, आपको मालूम है ये कदम में हो सकता है। क्या उसमें कंडीशन है, सारे कंडीशन को शिथिल करते हुए उन्होंने जो काम किया है उन पर पूरा विश्वास भरोसा आशा है कि जिला क्षेत्र को कल्याण होने वाला है। बसते कि आप समिति बनाएंगे ये दिशा दे रहे हैं तो उसमें गति नहीं है, यानी पतवार का काम कर रहे हैं उसमें गति ही नहीं है, तो गति आप देंगे पतवार का काम ये करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो काम बहुत जल्दी होगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आपको सबको मालूम है जब मिट्टी का धूल उठाते हैं तो मिट्टी को गिरा देते हैं, जमीन है इसलिए धूल अपने मुंह पर आना पसंद करता है। और लव जो है उसका मूल सूर्य है, जब भी दिया जलाते हैं थोड़ा रूपाई हो जाता है, तो राकेश सिन्हा जी अपने मूल में आना चाहते हैं, मूल में जाना चाहते हैं और मूल को बरकरार रखना वो आपका काम है और कहीं किसी का नहीं है। जय हिंद, जय भारत।